हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और आपका स्वागत है मेरी किचन पे। आज मैं बनाने वाली हूँ फिश एग पकौड़ा। देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में, और इसे बनाना भी बहुत सिंपल है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए इस फिश एग पकौड़े को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम फिश का एग लिया है, देख सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। अंडे को देखिए यहाँ पे। अब मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी 4 चम्मच। देखिए क्वांटिटी में ये 250 ग्राम है बेसन। इस तरह से इसमें हम चम्मच से बेसन को डालते जाएंगे। 4 से 5 चम्मच बेसन आप इसमें ऐड कर लें, और इसमें हमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, और इसे अच्छे से एग में मिक्स कर देना है। इस तरह से पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस अंडे को अच्छे से साफ़ करके धो ले और इस तरह से बेसन को इसमें अच्छे से मिक्स कर ले। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से बेसन और एग को इकट्ठा करके पहले अच्छे से मिक्स कर ले, जैसे हम घर पे पकोड़े बनाते हैं उस तरह से इसकी जो कंसिस्टेंसी है यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा भाई ये पतला लगे तो इसमें आप थोड़ा बेसन और ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम पहले बेसन और अंडे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। देखिए यहाँ पे मैंने सारे जो बेसन और अंडे को अच्छे से मिक्स कर लिया। इस तरह से इसे हमें मिला लेना है। अब मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड करूँगी, स्वाद के अनुसार नमक, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं बारीक कटा हुआ, या मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं इसे स्किप कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना है, बस इसे मैं प्लेन सिंपल बना रही हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को हम डालेंगे यहाँ पे, और इसे भी इस बैटर पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से नमक और हल्दी को पहले अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह से हमें मिक्स करना है इसे। इस तरह से देख सकते हैं नमक और हल्दी को दोनों को अच्छे से मिला ले। मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने गैस पर 250 ग्राम सरसों का तेल को गरम कर लिया है। हाई फ्लेम है बिल्कुल यहाँ पे, और इसे हमें बिल्कुल अच्छे से गरम करना है। बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसे आप गरम होने के लिए छोड़ दें। हमारी जो तेल है यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से गरम हो चुकी है, पूरा इसमें धुआं निकल रहा है। अब हम इसमें फिश का जो एक का पकोड़ा है वो तलेंगे ऐसा करके। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे हाई रखा है, और इस तरह से हम इसे छोटा छोटा जो पकोड़ा होता है ना उसका शेप दे देंगे, और इसे तेल पे डालते जाएंगे। इस तरह से बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। इस तरह से आप इसे तेल पे डाल दें। इस तरह से छोटा छोटा करके हम इसका शेप देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे हम बिल्कुल हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेक करेगी। इस तरह से देख सकते हैं जितना तेल पे ये आ जाए एक बार में उतना हमें फ्राई कर लेना है। और इस तरह से हम इसे दोनों साइड से अच्छे से बराबर से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से हमें इसे बराबर से सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। देख सकते हैं मैं इसे पलट रही हूँ ताकि ये बराबर से दोनों साइड से अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई हो जाए।
इस तरह से आप इसे लगातार पलटते रहें। देखिए सुनहरा हो चुकी है यहाँ पे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस सुनहरा होने तक इसे हमें फ्राई करना है। ये सुनहरी हो चुकी है, पर मैं इसे थोड़ा सा डार्क होने तक और फ्राई करूंगी। देखिए यहाँ पे ये पूरा लाल होना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से सारे हम जो फिश एग के पकोड़े हैं उसे मैंने तेल से बाहर निकाल लिया है। बाकी के पकोड़े को भी हम ऐसे तल लेंगे सेम प्रोसेस से। ये देखिए यहाँ पे हमारा फिश एक पकोड़ा बनके तैयार है। देख सकते हैं कितना सिंपल और टेस्टी रेसिपी, और ये फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।